नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो ये है फ्रेंड्स अपना स्मार्ट ब्रेसलेट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके सारे सेटिंग्स एक एक करके बताने वाला हूँ। जैसे फ्रेंड्स आप इसको फोन से कैसे कनेक्ट करेंगे, इसका टाइम सेटिंग आपको कैसे करना है, इसमें अपना फोटो कैसे लगाना है, ठीक है, एक एक करके सारे सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको स्मार्ट वॉच के सेटिंग्स समझाऊंगा, फिर आपको मोबाइल से कनेक्ट करके भी बताऊंगा और उसकी सारी सेटिंग्स भी बताऊंगा कि आपको कैसे कनेक्ट करना है और क्या क्या आप इसका अच्छे से यूज कर सकते हैं। कॉल नोटिफिकेशन हो गया, व्हाट्सएप हो गया, म्यूजिक हो गया, एक एक करके सारे ये सेटिंग्स मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स बात करें अपने स्मार्ट ब्रेसलेट की, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक ही बटन मिल जाता है, वो भी टच है, ठीक है, ये फुल स्क्रीन टच आपका स्मार्ट वॉच नहीं है। तो यहाँ पे एक ही बटन है, इसको अगर आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आगे सेटिंग आपको बढ़ती जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ओके हो जाएगा। जैसे यहाँ पे म्यूजिक है तो म्यूजिक ओके हो गया, फिर से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप बाहर आ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है एक बटन है, आप इसको अगर बार बार क्लिक करेंगे तो आगे जाएंगे और लॉन्ग प्रेस करेंगे तो लॉन्ग प्रेस करने से ओके होता है। और फ्रेंड्स बात करें इसको ऑन करने की, तो यहाँ पे अगर आपका स्मार्ट वॉच चार्ज है तो यहाँ पे आप 3 सेकंड तक होल्ड कीजिएगा तो आपका स्मार्ट वॉच ऑन हो जाएगा, ठीक है, चार्ज है तो। अगर फ्रेंड्स आपका स्मार्ट वॉच चार्ज नहीं है तो चार्ज करने के लिए सिंपली हमको ये निकालना पड़ेगा अपना स्ट्रिप, और यहाँ पे पीली पीली पट्टियां दिख जाएंगी, इसको सीधे आपको एडेप्टर में लगाना है तो आपकी चार्जिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और ये ऑन भी हो जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ पे लाइट आ जाएगी और ये ऑन हो जाएगा। तो आप आसानी से इसको ऑन कर सकते हैं और चार्ज भी कर सकते हैं। अगर आपका स्मार्ट वॉच चार्ज रहेगा तो आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कीजिएगा 3 सेकंड तक तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है, ऑफ करना मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके अपने पहले स्मार्ट वॉच की सेटिंग्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा 12 आवर्स का टाइम शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ से आपका जो है वॉलपेपर चेंज होता है, यहाँ से 24 आवर्स में आप चले गए हैं, यहाँ पे 24 आवर्स शो करेगा। तो 12 आवर्स और 24 आवर्स में जाने के लिए कोई अलग से सेटिंग आपको नहीं करना होता है। और फ्रेंड्स लॉन्ग प्रेस करने से आपका वॉच फेसेस भी यहाँ से चेंज होता है, ठीक है, तो वॉच फेसेस भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से लॉन्ग प्रेस कीजिएगा तो आपका वॉच फेस भी चेंज होगा और 12 आवर्स से 24 आवर्स में भी यहीं से आप जाएंगे। यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है 3 सेकंड तक तो आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये मैंने फोटो भी लगाया है तो मैं फोटो कैसे लगाना आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पे सिंगल क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे हम सिंगल क्लिक करेंगे। सिंगल क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे जो चले होंगे वो स्टेप्स यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कैलोरीज कितना किलोमीटर चले हैं वो सब यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो है बीपी मॉनिटर मिल जाता है, ऑक्सीजन लेवल आपका यहाँ पे शो करेगा, हार्ट रेट आपका शो करेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमको स्पॉट मोड का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हमारे सामने 3 प्रकार के स्पॉट मोड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस कीजिएगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे टाइम चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से लॉन्ग प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे ये बंद हो जाएगा। इस तरीके से आप स्पॉट मोड का यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़े हम लोग तो यहाँ पे मैसेजेस का ऑप्शन मिल जाता है। जब आपका स्मार्ट वॉच आपके फोन से कनेक्ट रहेगा तो आपके फोन में जो मैसेज आएंगे आपके स्मार्ट वॉच पे शो करेंगे, चाहे वो व्हाट्सएप का मैसेज हो या फिर फेसबुक का मैसेज हो या फिर आपका पर्सनल मैसेज हो, कोई भी मैसेज होगा तो वो सारे यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ शो नहीं करेगा, यहाँ पे नुल शो करेगा क्योंकि आपका जो स्मार्ट वॉच है अभी फोन से कनेक्ट नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से वो लॉन्ग प्रेस करके आप मैसेजेस को देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमें म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप म्यूजिक को तभी यूज कर पाएंगे जब आपका स्मार्ट वॉच आपके फोन से कनेक्ट रहेगा। यूज करने के लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है, ठीक है, लॉन्ग प्रेस करके यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें कोई भी म्यूजिक बजेगा नहीं क्योंकि इसमें स्पीकर तो आता नहीं है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आप अपने फोन का म्यूजिक कंट्रोल कर पाएंगे, आगे पीछे कर पाएंगे, उसको रोक पाएंगे, ठीक है। अगर आपको बंद करना है तो बीच में आएंगे, बीच में यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है आप देख सकते हैं, तो उसी कलर पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है, ठीक है। अगर इससे आपको बाहर निकलना है तो बाहर निकलने के लिए फ्रेंड्स आपको एरो पे आ जाना है, एरो पे आने के बाद सिंपली आपको लॉन्ग प्रेस करना है यहाँ पे, ठीक है, तो आपका जो है चेंज हो जाएगा, आप बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिल जाता है मोड का ऑप्शन, यहाँ पे हम अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको स्लीप मॉनिटरिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाता है, आप कितना देर सो रहे हैं यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमें वेदर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपका आपके यहाँ जो टेम्परेचर है कितना डिग्री सेल्सियस है वो आपके फोन के हिसाब से यहाँ पे जब कनेक्ट रहेगा तो शो करेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कैमरे का सेटिंग मिल
जाता है, तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि आप कैमरे का यूज कैसे कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लुकिंग फॉर यानी कि फाइंड डिवाइस का ऑप्शन मिल जाता है। तो जब आपका स्मार्ट वॉच आपके फोन से कनेक्ट रहेगा तो आप अपने स्मार्ट वॉच से अपने फोन को ढूंढ सकते हैं या फिर फोन से अपने स्मार्ट वॉच को ढूंढ सकते हैं। मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, यूज करके सिखाऊंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये रीसेट करना है अपने स्मार्ट वॉच को, तो सिंपली आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है तो आपका स्मार्ट वॉच रीसेट हो जाएगा। टाइम सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, जो आपने वॉलपेपर लगाया था वो भी यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो आपको पूरी तरह से रीसेट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मिल जाता है हमें ऐप का बारकोड, जो हमको ऐप डाउनलोड करना है उसका बारकोड यहाँ पे मिल जाता है। तो आप आसानी से इसको स्कैन करके ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। मैं आगे वीडियो में आपको अभी बताऊंगा, ठीक है, कैसे आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका मॉडल नंबर शो करता है और यहाँ से आप अपने स्मार्ट वॉच को ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ से लॉन्ग प्रेस कीजिएगा तो आपका स्मार्ट वॉच ऑफ हो जाएगा। तो मैं अभी ऑफ नहीं करूंगा क्योंकि फिर से हमें ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये स्मार्ट वॉच में जो सारी सेटिंग्स है वो समझ में आ गई होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब अपने स्मार्ट वॉच को अपने फोन से कनेक्ट करते हैं, इसका टाइम सही करते हैं, वॉलपेपर कैसे लगाना है और सारी सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बारकोड निकाल लेना है। तो बारकोड निकालने के लिए आपको मोर पे जाके और लॉन्ग प्रेस करना है, ओके करना है आपको, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लिक कर करके आपको चले जाना है अपने बारकोड पे। बारकोड पे यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कैमरे का लोगो दिख जाएगा, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखिएगा कि आपका कैमरा खुल जाएगा और कुछ इस तरीके से आपने बार कोड को स्कैन करना है। तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा टॉप द शटर बटन टू सर्च। तो यहाँ पे हमको सर्च पे क्लिक कर लेना है ताकि हमारा जो लिंक है वो सर्च हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऐप शो होने लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप एप्पल स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आईफोन यूज करते हैं तो आप एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ से आप आसानी से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, फिट प्रो ऐप को। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ओनली चाइना का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो अगर आप चाइना से हैं तो यहाँ पे आप चाइना भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम एंड्रॉयड यूजर हैं तो हम यहाँ पे गूगल प्ले पे सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आपको सीधे लेके चला जाएगा प्ले स्टोर पे, ठीक है। प्ले स्टोर पे लेके चला जाएगा, उसके बाद आपके सामने ये ऐप खुल जाएगा। तो मैं इसको पहले से ही डाउनलोड कर चुका हूँ क्योंकि वीडियो बनाने में आसानी हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम डायरेक्टली इसको ओपन करेंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आसानी से ओपन हो जाएगा। ओपन पे हमको क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स बोल रहा है नोटिफिकेशन को अलाउ करने के लिए, तो हम नोटिफिकेशन को अलाउ नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम अलाउ कर देंगे तो ऊपर पॉपअप शो करता रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम इसको डोंट अलाउ करेंगे, आप चाहे तो अलाउ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको यूजर प्रोटोकॉल देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ से इसको एग्री कर देना है यूजर प्रोटोकॉल को, ठीक है। एग्री कर देने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने लोकेशन अलाउ करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे आपको लोकेशन को अलाउ कर देना है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ऐप है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे देखिएगा तो चार ऑप्शन शो कर रहा है। होम में आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन शो करेगा, आप कितना दूर चले हैं, यहाँ पे आपका कैलोरीज शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हार्ट रेट आपका देख सकते हैं, स्लीप आप देख सकते हैं, तो ऊपर आपका यहाँ पे स्टेप शो करेगा। तो इस तरीके से आपका होम का इंटरफेस कुछ इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसी में हमारी सारी सेटिंग्स है, यहीं से हम यहाँ पे कनेक्ट भी करेंगे। यहाँ पे डिसकनेक्टेड डिवाइस का ऑप्शन अभी शो कर रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मॉडिन का ऑप्शन शो कर रहा है। तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, बाइकिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से आप इस पे क्लिक करके उसको ट्रैक कर सकते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करके आप स्टार्ट कीजिएगा तो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे माइंड का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आपका जो स्टेप्स है वो शो करेगा। यहाँ से यूजर प्रोफाइल आपका अबाउट फीडबैक देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ लॉगिन भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, हमको अपने स्मार्ट वॉच को अपने फोन से कनेक्ट करना है। तो सिंपली हमको सेट पे क्लिक करना है। सेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ब्राइट डिवाइस टू एक्सप्लेन मोर फीचर। तो हमको बहुत सारे फीचर्स का यूज करना है, तो यहाँ से फ्रेंड्स हमको स्मार्ट वॉच को अपने फोन से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे इस पे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें बोल रहा है निर्भया डिवाइस को अलाउ करने के लिए, तो हम यहाँ पे अलाउ कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अपने फोन का लोकेशन ऑन करने के लिए बोल रहा है, तो ओके पे क्लिक करेंगे और लोकेशन पे चले जाएंगे। तो यहाँ से हम अपना लोकेशन ऑन कर चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लोकेशन ऑन करने के बाद फ्रेंड्स हमको फिर से यहीं पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका स्क्रीन
स्टार्ट हो जाएगा और आपका मॉडल नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। मॉडल नंबर मैंने बताया था कि आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपका देखिएगा कि यहाँ पे मॉडल नंबर आपके स्मार्ट वॉच का शो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद टाइम सेटिंग, उसके बाद यूजर प्रोफाइल सेटिंग, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपका स्मार्ट वॉच जो है कनेक्ट हो गया है और यहाँ पे जो आपका मॉडल नंबर शो हो रहा है और यहाँ पे डिसकनेक्टेड का जो ऑप्शन आ रहा था वो हट गया है। इसमें आप फ्रेंड्स देखेंगे तो यहाँ पे कनेक्ट का भी ऑप्शन आपके स्मार्ट वॉच में भी शो करेगा और आपका टाइम डेट सब कुछ सही हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12:15 इसमें हो रहा है, तो 12:15 भी इसमें भी हो रहा है आपके स्मार्ट वॉच में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे अपने स्मार्ट वॉच को फिट प्रो ऐप से तो आपका टाइम सही हो जाएगा। ठीक है, कनेक्ट हो जाने के बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल का आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप इसको ऑन कर देते हैं तो आपका स्मार्ट वॉच रिस्ट को स्कैन करेगा और अपने स्मार्ट वॉच को जब आप ऐसे हिलाएंगे तो यहाँ पे लाइट आ जाएगी। आपको इस बटन को दबाने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका हाथ पे बंधा रहेगा तो आप ऐसे करेंगे तो इसमें लाइट आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट आ जाएगी। इस तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसकी टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं कि कितना बजे से कितना बजे तक, जैसे 8 से 10 बजे रात तक ये ऐसे करेंगे तो ऑन रहेगा, उसके बाद अपने आप ये काम नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहली सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब का आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो इसको आप ऑन कर दीजिएगा तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि कितना बजे से कितना बजे तक हमें कोई भी स्मार्ट वॉच में हमको कोई भी मैसेज नहीं चाहिए, कोई भी वाइब्रेशन नहीं चाहिए, डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप इसको ऑन कर सकते हैं, इतना टाइम भी आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने टाइम आ जाएगी, आप इसको सेट कर सकते हैं अपने आसानी से। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप अलार्म लगा सकते हैं, अलार्म पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक कीजिएगा उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे प्लस का आइकन दिख जाएगा, प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप यहां से टाइम सेट कर सकते हैं, यहां से डे सेट कर सकते हैं, किस किस दिन को हमें अलार्म चाहिए, कब कब नहीं चाहिए, यहां पे संडे सैटरडे हमको नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे आप क्लिक करके और यहां पे कंफर्म पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है अलार्म यहां से सही हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेट सक्सेसफुल का आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट पे क्लिक कीजिएगा तो डिलीट भी हो जाएगा, यहाँ से डिलीट पे क्लिक करके आपको सिंपली कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे सेट सक्सेसफुल का ऑप्शन मिल जाएगा और आपका अलार्म जो है डिलीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिटेंडरी रिमाइंडर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप अगर ज़्यादा देर बैठने वाला काम करते हैं तो आपका स्मार्ट वॉच आपको बताएगा कि आप इतना देर बैठ चुके हैं तो आप उठ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप गेमिंग करते हैं, कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर बैठने वाला आपका काम है तो आपको बार बार बताएगा कि आप बहुत देर तक बैठे हैं, आपके हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है ज़्यादा देर बैठना, तो आप यहाँ पे 60 मिनट का आप टाइम सेट कर सकते हैं तो आपको रिमाइंड करके बताएगा कि आप इतना देर बैठ चुके हैं, आप उठ जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से इसका भी आप टाइम इस पर क्लिक करके अपने हिसाब से लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्मार्ट वॉच जब आपके फ़ोन से कनेक्ट रहेगा तो आप फोन से स्मार्ट वॉच को यहाँ पे फाइंड पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे वाइब्रेशन आ जाएगी आपके स्मार्ट वॉच में कि आपका स्मार्ट वॉच कहाँ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप स्मार्ट वॉच से अपने फ़ोन को ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मोर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फाइंड डिवाइस का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली आपको इसे यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स तो आपका स्मार्टफोन बजने लग जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको खोज सकते हैं, अपने स्मार्टफोन को खोज सकते हैं, तो ये फाइंड का फीचर आपको मिल जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमको यहाँ पे मिल जाता है रिमोट शटर का ऑप्शन, तो इसके जरिए हम अपने स्मार्ट वॉच से फोटो खींच सकते हैं अपने मोबाइल फोन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे खींचना है, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैमरा खुल जाएगा और यहाँ पे आप अपने स्मार्ट वॉच में सिंगल क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिंगल क्लिक करते ही आपका जो है फोटो खींचना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है और आपका फोटो यहाँ पे खींच जाएगा, तो आपका मोबाइल कहीं भी दूर रहेगा और कनेक्ट रहेगा तो आप आसानी से अपने स्मार्ट वॉच से फोटो यहाँ पे खींच सकते हैं। सिंपली ये वन क्लिक यहाँ पे आपको करना है और यहाँ पे आपका फोटो खींचना स्टार्ट हो जाएगा और खींच भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप फोटो देख भी सकते हैं, यहाँ पे 2 फोटो जो हमने क्लिक किया है वो ऊपर शो कर रहा है। इसको यूज करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले फिट प्रो ऐप को ऑन करके और यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा रिमोट शटर पे, तभी ये वर्क करेगा। अगर आप चाहेंगे कि आपके स्मार्ट वॉच से डायरेक्टली खींच जाए, आपका कैमरा का अपना कैमरा यहाँ से खोल दिया और यहाँ से फोटो खींच जाए, तो यहाँ से नहीं खींचेगा। ठीक है फ्रेंड्स,
अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पे मैसेज प्रेस की, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, यहीं से फ्रेंड्स आप व्हाट्सएप का कॉल का नोटिफिकेशन, फेसबुक का नोटिफिकेशन, सब चीज का नोटिफिकेशन आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप स्मार्ट वॉच में कॉल को रिसीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और व्हाट्सएप चला नहीं सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पे जो मैसेज आएगा आपके फोन में स्मार्ट वॉच पे उसको देख सकते हैं, रिप्लाई तो आपको फोन से ही करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ऑन करने के लिए फ्रेंड्स व्हाट्सएप के आगे जो आइकन दिख रहा है सिंपली इसको ऑन कर लेना है। अगर आप फेसबुक का ऑन कर लेते हैं तो फेसबुक का जो मैसेज है आपके स्मार्ट वॉच में शो करने लगेगा, इंस्टाग्राम का भी शो करने लगेगा, जिसका जिसका आप चाहते हैं उसका ऑन कर सकते हैं। तो ऑन करने के लिए सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन एक्सेस आपको देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे फिट प्रो ऐप को यूज कर रहे हैं, तो फिट प्रो ऐप का जो है एक्सेस हमको दे देना है, तो इसका यहाँ पे इनेबल कर देंगे। इनेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से ये इनेबल हो गया, आप बैक चले जाना है आपको। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप जिसका जिसका मैसेज लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे व्हाट्सएप का लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम का लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का आप ऑन कर सकते हैं, फेसबुक का लेना चाहते हैं तो फेसबुक का ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपके मोबाइल पे मैसेज आता है, जैसे यहाँ पे बैंक का मैसेज हो गया, फिर कोई भी मैसेज हो गया, तो मैसेज का भी आप ऑन कर दीजिएगा। यहाँ पे एग्री करना पड़ेगा, ठीक है, मैसेज के लिए, और अलाउ करना पड़ेगा मैसेज के लिए। तो आपके फोन पे जो मैसेज आएगा वो आपके स्मार्ट वॉच में शो करेगा कि भाई ये मैसेज आया है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग कॉल नोटिफिकेशन का भूल रहे थे कि कॉल का कैसे पता चलेगा, तो कॉल के लिए भी हमें मैसेज प्रेस में ही हमको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर हमको कॉल रिमाइंडर का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसको सिंपली आपको ऑन कर लेना है। जैसे यहाँ पे ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको एग्री करना पड़ेगा, तो इसे यहाँ पे एग्री कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कॉल लॉग आपको अलाउ करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट अलाउ करना पड़ेगा, फोन कॉल्स अलाउ करना पड़ेगा, तो यहाँ से हमको तीनों अलाउ कर देना है। उसके बाद जो आपके फोन पे कॉल आएगा तो यहाँ पे आपके स्मार्ट वॉच में शो करेगा कि किसका कॉल आया है। ठीक है, तो सबसे ऊपर आपको इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमको यहाँ पे मिल जाता है डायल सेटिंग का ऑप्शन। ठीक है, डायल सेटिंग पे आप क्लिक करके आप अपने स्मार्ट वॉच का वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं या फिर अपना फोटो यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे वॉच फेसेस खुल के आ जाएंगे, तो आप इसमें से जो भी लगाना चाहते हो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसका 3-4 वेरियंट आपके सामने खुल के आ जाएगा, इसमें से आप जो लगाना चाहते हैं, टाइम को जहाँ रखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है वॉच फेस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे गॉट इट पे आपको क्लिक करना रहेगा, जैसे ही आप गॉट इट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका वॉच फेस यहाँ पे अपलोड होने लग जाएगा, अपग्रेड होने लग जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरीके से जो आपने वॉच फेस चेंज किया है यहाँ पे आपके स्मार्ट वॉच में शो करने लग गया। अब बात कर लेते हैं कि अपना फोटो आप कैसे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे चेंज द डायल पे सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपकी गैलरी यहाँ पे खुल के आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, तो आप इसमें से जो फोटो अपना सिलेक्ट करना चाहते हो आप पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं ये फोटो लगाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने ये फोटो सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे सही टिक जो है सिंपली इस पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका फोटो दिख जाएगा। अब फोटो में अपना टाइम को अगर साइड में करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, तो टाइम जो है उसके हिसाब से हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, तो टाइम को अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने गॉट इट का ऑप्शन एक आ जाएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे गॉट इट का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसके बाद फिर गॉट इट पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपका फिर से अपग्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो आपका फोटो है स्मार्ट वॉच में अपलोड हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, तो कुछ ही देर में जो अपग्रेड 100% होगा तो आपका जो है यहाँ पे फोटो शो करने लग जाएगा आपके स्मार्ट वॉच में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने फोटो लगाया था वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपना फोटो यहाँ पे लगा सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने वॉच फेसेस को। यहाँ पे बहुत सारे वॉच फेसेस आपको मिल जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे रीसेट डिवाइस का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप अपने डिवाइस को, अपने वॉच को रीसेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा तो रीसेट हो जाएगा, लेकिन आपने जो जो सेटिंग करी थी सब यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है रिमूव का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपका स्मार्ट वॉच बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करना है। ठीक है, रिमूव पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्या करेगा कि डिलीट ऑल डाटा एंड रिमूव डिवाइस, तो एक बार सारे डाटा को डिलीट कर देगा, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि फिर से कनेक्ट कर लेना है अपने स्मार्ट वॉच को, तो यहाँ पे आपका जो है डिस्कनेक्टिंग का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से रिमूव करके आप कर सकते हैं।
उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अदर का ऑप्शन मिल जाता है, तो अदर्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको वाइब्रेशन की सेटिंग मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर आपने स्मार्ट वॉच को वाइब्रेट करवाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको ऑन कर दीजिएगा, अन्यथा आप इसको ऑफ भी रख सकते हैं। ऑफ करने के बाद फ्रेंड्स जो आपका है बैटरी कम खर्च होगा आपके स्मार्ट वॉच का, ठीक है। अगर आप वाइब्रेट करवाना चाहते हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर कोई अपडेट आया होगा तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स, तो यहाँ पे नो नीड टू अपडेट्स, कोई अपडेट्स अभी नहीं आया है, अगर आएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ बैकग्राउंड सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो बैकग्राउंड में क्या क्या रन कर रहा है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वन बटन ओपन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे परमिशंस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने किस किस चीज़ का परमिशंस दे रखी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप इस सारे सेटिंग्स का यूज़ कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी दिमाग में क्वेश्चन आ रही हो, कोई भी सेटिंग आपको समझ में नहीं आ रही हो इस वीडियो के बाद भी, तो आप मेरे से कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा कॉमेंट करके या फिर वीडियो बना के, ठीक है। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।